मारुति सुजुकी ने अभी तक बिटारा ब्रिजा एसयूवी को कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ ही लॉन्च करते आ रही है। लेकिन जो बिटारा ब्रिजा एसयूवी के सेगमेंट में और भी कारें थे जो फीचर्स वाइज नए नए फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होते जा रही है, जिससे बिटारा ब्रिजा एसयूवी के सेलिंग फिगर पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और इंडियन पीपल एवरी टाइम वांट टू न्यू। तो मारुति सुजुकी ने इसी बात को ध्यान में रखकर बिटारा ब्रिजा एसयूवी का सेकेंड जनरेशन मॉडल लाने की तैयारी में है। तो खुल के बात करेंगे सेकेंड जनरेशन बिटारा ब्रिजा की। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में, जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले मारुति सुजुकी की दी मोस्ट पॉपुलर एंड इंडियाज कस्टमर फेवरेट एसयूवी न्यू बिटारा ब्रिजा एसयूवी कार के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिटारा ब्रिजा फीचर्स वाइज में अपने सेगमेंट में और कारों में से काफ़ी पीछे है। तो अब मारुति सुजुकी इसी बात को ध्यान में रखकर सेकेंड जनरेशन बिटारा ब्रिजा एसयूवी लाने की तैयारी में है, जिसको कि इंडिया में एक नए लुक के साथ देखा जाएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड जनरेशन बिटारा ब्रिजा एसयूवी के 5 पॉइंट के बारे में, जिसमें डायमेंशंस, एक्सटीरियर, इंजन, इंटीरियर, सेफ्टी, प्राइस, लॉन्च भी शामिल है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे बिटारा ब्रिजा सेकेंड जनरेशन से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, जिस टाइम पर एसयूवी की मार्केटिंग शुरू हुई थी उस टाइम पर बिटारा ब्रिजा एसयूवी इंडियन सड़कों पर हर एक दूसरी गाड़ी ब्रिजा ही देखने को मिल जाया करती थी। लेकिन अभी जो है फीचर्स के मामले में बिटारा ब्रिजा के सेलिंग पावर में काफी ज्यादा कमी आ गया है। तो अब सेकेंड जनरेशन बिटारा ब्रिजा एसयूवी इंडियन मार्केट में फेस्टिवल के सीजन में 2021 में एंट्री लेगी। तो सबसे पहले हम बात कर ले इसके लुक्स और डिजाइन की। तो आने वाली सेकेंड जनरेशन बिटारा ब्रिजा एसयूवी एक बोल्ड क्वालिटी के साथ नजर आने वाला है, जिसे एक अग्रेसिव लुक के साथ देखा जाएगा। वहीं डायमेंशंस में आपको सेकेंड जनरेशन बिटारा ब्रिजा एसयूवी के डायमेंशंस में आपको कोई बड़े बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके एक्सटीरियर फ्रंट लुक में आपको एक नया डिजाइन बम्पर के साथ एक नई फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक स्क्रॉम सुजुकी की लोगो देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये फ्रंट लुक से सेकेंड जनरेशन बिटारा ब्रिजा एसयूवी एक नया लुक के साथ देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको इसके एक्सटीरियर में न्यूली डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ ऊपर की तरफ एक नई DRL देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको इसके रेयर में नई टेल लाइट, शार्क फिन एंटीना, ORVM विटान इंडिकेटर, SUV स्किड प्लेट फ्रंट एंड रेयर में। और बताया जा रहा है कि इस नई SUV कार में आपको डुअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन और टायर के साथ आपको R17 R18 इंच तक की बिल्कुल नए डिजाइन की एलॉय व्हील या स्टील व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये तो हो गए इसके एक्सटीरियर की बात। वहीं अब बात आती है इसके इंजन पावर की सेकेंड जनरेशन बिटारा ब्रिजा एसयूवी में, कि कितने लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और कितने लीटर का इंजन देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे खुशी की बात ये है कि सेकेंड जनरेशन बिटारा ब्रिजा एसयूवी में पेट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाले हैं, तो ये भी काफी ब्यूटीफुल न्यूज है। तो सबसे पहले बात कर ले इसके पेट्रोल इंजन की। तो इसमें आपको पेट्रोल इंजन में लगता है 1.5 लीटर का मिड हाइब्रिड BS6 इंजन, जो कि 104 PS के करीब पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन के साथ आपको दो ट्रांसमिशन की ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो कि मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक होगी। और वहीं आप इसकी माइलेज की बात करो तो इसमें आपको मैनुअल के साथ 17.3 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ माइलेज देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा सही होगी। और वहीं अगर इसके ऑटोमेटिक माइलेज में आपको 18.7 किलोमीटर प्रति लीटर की देखने को ऑटोमेटिक इंजन में माइलेज देखने को मिलेगा। दोस्तों, जिनेवा मोटर शो में इस कार को शोकेस किया गया था, वहां इस कार को फोर व्हील ड्राइव की ऑप्शन में देखा गया था। लेकिन इंडियन मार्केट में जो कार एसयूवी लॉन्च होगी वो फोर व्हील ड्राइव की ऑप्शन में नहीं आएगी, ये टू व्हील ड्राइव की ऑप्शन में ही आने वाली है। और अभी की बिटारा ब्रिजा एसयूवी में पेट्रोल इंजन की ऑप्शन भी देखने को मिलती थी, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिटारा ब्रिजा से डीजल इंजन की कमी देखने को मिलता था। लेकिन अब जो 2021 की मारुति सुजुकी बिटारा ब्रिजा आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल इंजन के साथ साथ आपको डीजल इंजन के साथ पेट्रोल हाइब्रिड इंजन की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है, जो कि बिटारा ब्रिजा एसयूवी के चहेते थे उनको काफ़ी खुशी मिलने वाली है, जो कि मारुति सुजुकी के लिए काफ़ी सही होने वाला है। और ये डीजल इंजन की बात करें तो इसमें आपको ये डीजल इंजन 1.5 लीटर का डीजल इंजन होगा,
जो कि BS6 नाम के साथ 94 PS के करीब पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये डीजल इंजन आपको ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल ऑप्शन में भी अवेलेबल होने वाली है। दोस्तों वहीं थोड़ा ध्यान दे इसके इंटीरियर की तरफ, तो 2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा SUV कार के इंटीरियर को पहले के ज्यादा काफी स्पेशियस और काफी प्रीमियम बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 10 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है, जो कि कनेक्टिविटी जिसमें आपको YouTube भी मिल जाएगा और स्मार्ट कनेक्टिविटी कन्वीनियंस के एडवांस फीचर को सपोर्ट करेगा, जिसमें कि आप अपने गाड़ी के हर एक फीचर्स को मैनेजमेंट कर सकते हो। और साथ ही आपको न्यू डिजाइन सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ एक नई स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी, जो कि काफी सॉफ्ट होगी और सुजुकी की बेजिंग के साथ लैस होगी। और ये स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग होने वाला है, यानी पूरा विंडो कंट्रोल और पूरा म्यूजिक कंट्रोल आपके हाथों में होगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में 7 इंच तक की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन, जिसमें कि आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, 5 सीटिंग अरेंजमेंट, हीटेड एंड वेंटेड सीट, वॉइस कमांड, सेफ्टी फीचर्स, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर निकलते आ रही है कि न्यू विटारा ब्रिजा SUV कार में सनरूफ की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों पहले वाली विटारा ब्रिजा SUV में ये सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन SUV के सेगमेंट में जो स्मार्ट फीचर्स आ रहे हैं उसे देखते हुए मारुति ने विटारा ब्रिजा के SUV को काफी अच्छे से डिजाइन देने के साथ साथ एक मस्कुलर लुक दिया है। तो ये थे इसके इंटीरियर की फीचर्स। वहीं अब बात आती है इसके सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी की, तो 2021 मारुति सुजुकी की अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन मारुति विटारा ब्रिजा SUV कार के सेफ्टी में आपको सेफ्टी फीचर्स भी इस SUV कार के काफी बढ़िया हैं, लेकिन अब जो आने वाली विटारा ब्रिजा है उसको और भी ज्यादा काफी पावरफुल बनाया गया है। बिकॉज इस कार को 4 स्टार की रेटिंग मिली है, बाकी सारे कार को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि मिड क्वालिटी में विटारा ब्रिजा SUV काफी बढ़िया है। जो कि इस कार की बॉडी है वो आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने को मिलने वाली है, और साथ ही आपको इसके सेफ्टी में 6 एयरबैग, 360 डिग्री व्यू कैमरा विथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल लॉन्च असिस्टेंट, डाउनहिल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक असिबिलिटी प्रोग्राम, एंटी थेप अलार्म सिस्टम। तो सेफ्टी के मामले में भी आपकी विटारा ब्रिजा काफी बहुत सही होने वाली है। और ये जो सेफ्टी के फीचर्स हमने आपको बताए हैं, ये सारे फीचर्स आपको टॉप मॉडल में अवेलेबल होंगे। आप जैसे जैसे बेस मॉडल में आते जाओगे वैसे आपके फीचर्स डिस्कवर होते जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इसके सेफ्टी के फीचर्स। अब जो इसकी मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा SUV कार की लॉन्च होने वाली है, वो होने वाली है इंडियन मार्केट में 2021 के लास्ट या 2022 के फर्स्ट मंथ तक लॉन्च किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मुकाबला महिंद्रा की XUV300, किया की सेल्टस, हुंडई की क्रेटा, निसान की मैग्नाइट जैसे शानदार कारों से कड़ी टक्कर होगी। तो फाइनली इसकी कार की प्राइस इंडियन मार्केट में एक अनुमान के अनुसार जो इसका बेस मॉडल होने वाला है वो 8 लाख से शुरू होकर, स्टार्टिंग प्राइस इसकी बेस मॉडल की 8 लाख से शुरू होकर 12 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मारुति सुजुकी की नेक्स्ट मॉडल मारुति विटारा ब्रिजा SUV आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।